इफेक्टिव के सबसे पहले अनाउंस करना चाहता हूँ जिसके सबसे ज्यादा नहीं सबसे कम वोट जिसने हासिल किए हैं वो है अब्दुल गनी काकर 43 सबसे कम वोट। उसके बाद 49 अब्दुल रकीब खिलजी ने जो 12वें नंबर पे हैं। अब्दुल रशीद भट्ट 56 वोट के साथ 11वें नंबर पे हैं। अयूब तईब साहब 60 वोट के साथ 10वें नंबर पे हैं। मुर्तजा जेब जेरी 9वें नंबर पर है 64 वोटों के साथ। हमारे पास 65 के दो वोट आए हैं, मुस्तफ़ा तरीन और आफ्ताब बलोच 7वें 8वें पोजीशन में आए हैं 65 वोट। तो इस तरह हमारे 6ठे पोजीशन पे आए हैं एहसन रसूल जो 67 वोट के साथ। उसके साथ तातिया जहांगीर ने भी 60 वोट 7 वोट हासिल किए, वो भी 8 6ठे नंबर पर। चौथे नंबर पे है शाहनवाज बलोच साहब जिसके 69 वोट हैं। थर्ड पोजीशन पे आए हैं गालिब नियाज 77 वोट के। सेकंड पोजीशन पे है फजल तवाब 89 वोट के। सबसे ज्यादा इस वोट कास्ट हुए हैं जफरुल्ला बलोच के 98 वोट। मुबारक हो सब को भाई। अभी के नाम किए जाते हैं खैर माइक ना। सबसे पहले हम ज्वाइंट सेक्रेटरी के अनाउंस करते हैं जिसमें से रनर अप रहे हैं चौधरी इम्तियाज 45 वोट के साथ। रनर अप है अब्दुल्ला शेरानी साहब 64 वोट। जॉइंट सेक्रेटरी में हमारे पास रनर अप रहे नईम भट्टी साहब जिसने 40 वोट लिए हैं। फतेह भुट्टी ने 66 वोट लेके में हमारे किफायत जीत चुके हैं जिसमें शेख रजाक ने 45 वोट लिए हैं और किफायत ने 65। हमारे वाइस प्रेसिडेंट में हमारे नसीम अमीन ने 46 वोट हासिल किए हैं। फरीदुल्ला खान ने 63। याकूब शाहवानी ने 45 वोट हासिल किए और शाहफे सरी ने 64। जनरल सेक्रेटरी के लिए जनरल सेक्रेटरी ने मंजूर अहमद ने 53 वोट हासिल किए और फतेह शाह ने 57। Let's go!
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम दोस्तों को एक जरूरी प्रोसेस मुकम्मल करने में की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और इसमें किसी की हाजिरी नहीं है। ये जो पैनल थे प्रोफेसर पैनल, ये भी हमारा अपना पैनल था, हमारे लोग थे। आज की जीत न सिर्फ प्रोग्रेसिव पैनल की बल्कि जर्नलिस्ट पैनल दोनों की मुश्तरक जीत है। हमारा और सोहेल गेम को कलीफुला और सलीफुला के दरमियान बात यह है कि ये हमारे सीनियर है, हमने इनकी गेम में जो पॉइंट्स थे, जो नक्शे कलम था, उस पे चल के एक जमहूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि जो हमारा बेसिक काज है कि वेलफेयर फॉर जर्नलिस्ट, उसके लिए हम मुश्तरक तौर पे इकट्ठे काम करेंगे। पहले ताज उनके सर पे था, लीडिंग वो करते थे, अब हमारे पास है, हम थोड़ा आगे होंगे, फिर पूरी रहनुमाई लेंगे कि हमें उस तक ले जाएं ताकि हम अपने लोगों के लिए कोई काम कर सकें और बेहतर अंदाज में उनके वेलफेयर कर सकें। इसके अलावा आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन गवर्नमेंट में आके बहुत चीजें डिलीवर करना पड़ती है, तो हम डिलीवर करेंगे, कोशिश करेंगे, जहां कुछ कमी कोताही रह जाएगी इनसे रहनुमाई मिलेंगे, ये हमारे साथ होंगे और अगर कुछ ऐसी कोताही रह गई तो ये दरगुजर भी कर देंगे, हमें ये उम्मीद है। अब मैं शाह साहब को दूंगा कि वो इस हवाले से कुछ कहना चाहें। सबसे पहले मुबारकबाद आपके पूरे पैनल को। ये जिस तरह इरफान सईद ने कहा, बिल्कुल कहा कि हार जीत होती रहती है और एक चेंज लोगों ने वोट किया, एक चेंज किया और ये तो एक उसका हिस्सा है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। लोगों ने एक चेंज की, जिन्होंने आपको वोट किया वो एक ज़रूर चेंज मांग रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनके तवक्कात पर पूरा करें। आप चेंज लाएंगे, बताएंगे कि जो पहला प्रोसेस चल रहा था उससे वो चेंज मांगते हैं और आपने भी चेंज ला के दिखाना है। बाकी हमारी हमारा तारुण बिल्कुल आपके साथ है, हम एक ही लोग हैं, एक ही उस तरह बोलोगे, जाहिर है आपका चलाने का तरीका कार जरा मुख्तलिफ क्योंकि आप अपने वोटर्स को देखते हुए वो तरीका कार चलाएंगे, तो हम भी बिल्कुल। लेकिन जो तारुण हमारे साथ हुआ, कभी ये जहन में आप लोग ना रखें कि जिस जो आप प्रोसेस चला रहे होंगे उस प्रोसेस में कोई रखना अंदाजी करेगा या वो आप उसको चलेंगे, आप लोग आगे होंगे, हम पीछे होंगे। शुक्रिया।